लक्ष्मण जी बताएं कि क्या मायने रखते हैं जियो इस ग्रीन एनर्जी की जो मंजूरी मिली है इसके लिए? देखिए, जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी मिली है, दरअसल वो क्लीन एनर्जी और अल्टरनेट एनर्जी की तरफ एक बड़ा कदम है। और ये जो प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, इसका औपचारिक ऐलान तो 3 बजे किया जाएगा, लेकिन जो सोर्सेज से मुझे जानकारी मिली, इसके तहत इस नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत सरकार 19,750 करोड़ के आसपास खर्च करेगी। और उस 19,750 करोड़ का जो खर्च होगा, उसमें से 17,490 करोड़ रुपए के खर्च आसपास जो है जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके तहत खर्च किया जाएगा। और पायलट प्रोजेक्ट पे करीब 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो R&D पे 400 करोड़ और अदर कंपोनेंट पे 388 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसका मुख्य मकसद यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, और करीब इसके तहत 1,08,00,000 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट आना है जो सरकार का अनुमान है, और 6,00,000 करोड़ रुपए नई नौकरियां पैदा होंगी।